यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आए थे, आपको खबर भी मिली होगी, वो मुलाकात करने के लिए गए थे उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे। खबर तो मुझे रखनी पड़ती है सबके, ऐसे कैसे खबर? नहीं नहीं बिल्कुल, ये मुझे पूरी जानकारी, मुख्यमंत्री तो खबर तो रखता हूँ, कहीं भी हो तो सबकी खबर रखता हूँ मैं। मैं बोलता कम हूँ लेकिन काम ज्यादा करता हूँ। खबर रखने तक तो ठीक है सर, खबर लेना मत शुरू कीजिएगा, लेकिन वो मैं शब्दशः पढ़ के सुना रही हूँ। यहीं पर मेरे सहयोगी दिबांग ने उनसे सवाल पूछा, यही पार्टी सिंबल को लेकर, पदाधिकारी जो आपके साथ आ गए हैं, नाम जो आपके साथ आ गया है। कोर्ट शुरू कर रही हूं। उन्होंने कहा, उनके पिता शेर थे, यानी उद्धव ठाकरे, उनके पिता शेर थे, शेर का बेटा है वो, उसका सारा सामान चोरी कर लिया इन्होंने, पार्टी चोरी कर ली, सिंबल चोरी कर लिया, झंडा चोरी कर लिया, पर चोर तो चोर होता है, शेर थोड़े ही हो सकता है, शेर तो शेर का बेटा ही बनेगा। ये शब्द शाह मैंने पढ़ा। अभी केजरीवाल अभी उनको बराबर से जानते नहीं, उनको बराबर से जानते नहीं वो, मैं और महाराष्ट्र के कई लोग उनको जानते हैं। क्या है देखो, सिर्फ इनोसेंट बनकर नहीं चलता है। अभी एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग, ऐसा भी कुछ गाना है ना, मैं सुना है आप। हाँ हाँ, तो कई लोगों का, गडकरी साहब देखो आ गए। सर आप सुन रहे थे या नहीं, ये हूबहू आपकी तरह साउंड कर रहे थे, ते हाईवे पर हाईवे, हाईवे पर हाईवे। आपका जिक्र उन्होंने निकाला, मैं बोला महाराष्ट्र में सबसे पहला एक्सेस कंट्रोल रोड गडकरी साहब ने बनाया, और बाला साहब ठाकरे जी की संकल्पना थी भाई ये बनाओ, तो उन्होंने बना दिया। फिर मैं, उनका जो डिपार्टमेंट था MSRDC, वो उसी डिपार्टमेंट से के माध्यम से उन्होंने पुणे मुंबई बनाया, और 55 फ्लाईओवर बनाए थे इधर। तब लोग कहते थे अरे पीस का क्या जरूरत है, लेकिन वो भी अभी कम पड़ रहे हैं। अभी वो MSRDC का डिपार्टमेंट मेरे पास है तो उसके माध्यम से हम लोग समृद्धि हाईवे बनाए। तो मैं उस हाईवे से आपको वापस एग्जिट करवा रही हूँ और वो पॉलिटिकल हाईवे पर ला रही हूँ। बिल्कुल, आदित्य ठाकरे कह रहे हैं कि वर्ली आकर चुनाव लड़े, आप जाएंगे वर्ली से चुनाव लड़ेंगे? देखिए मैं, कौन क्या सवाल पूछता है, सभी सवाल को जवाब देने की जरूरत मैं नहीं समझता हूं, पहली बात, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था सब लोगों ने आपको, जब हम गुवाहाटी में थे, वर्ली तो आना ही है, मुंबई में तो आना ही है, कहां जाओगे आप? मैं वर्ली भी आ गया, मुंबई भी आया, सब जगह आया, सरकार भी गठन कर दिया, वो सब कर दिया, मैं बोलता कम करता जास्ती हूं। तो अब आप क्या करने वाले हैं 2024 में? देखिए आप करते बहुत ज्यादा है, ये बात तो सच है, एक्स सीएम को आपने डिप्टी सीएम बना दिया। देखिए आपको मैं बताऊंगा, इस सरकार में मोदी जी का, अमित भाई का और देवेंद्र जी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जैसा हमारे गडकरी साहब का भी शुभेच्छा आशीर्वाद था, लेकिन पार्टी का आदेश उसका पालन करना, ये अनुशासन जो है, ये देवेंद्र जी ने जो दिखाया है एक बहुत बड़ी मिसाल है, ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। मैं मुख्यमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री मुझे बनने का मौका मिला, लेकिन मुख्यमंत्री होने के बावजूद जब पार्टी कहती है आप डिप्टी सीएम बनो, तो ये आदेश का पालन करना, इसके लिए बहुत बड़ा दिल लगता है। नहीं तो सर, और बहुत बड़ा दिल उन्होंने बताया, दिखाया। हाँ। और आज हम लोग, वो जब मुख्यमंत्री थे तब तो सब विपक्ष को भारी पड़ रहे थे, अभी तो दो दो जने हम लोग, डबल इंजन है, डबल इंजन है। तो ये हुआ कैसे, ये जो आपने सब किया, सरकार बना दी, जेम्स बॉन्ड बन के आप रात को मुलाकात करने जाते थे हुड वुड डाल के ये सब बात, ये आपने ये सब बताने वाली बात नहीं रहती है तो 2024 में भी आप ही सीएम होने वाले हैं? देखिए ये सब जनता के हाथ में होता है, सब जनता तय करती है किसको बिठाना किसको उतारना। हम लोग काम करेंगे, जी जान से काम करेंगे। आज इतने बड़े प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं, हम हेल्थ में काम कर रहे हैं, हम एजुकेशन में काम कर रहे हैं, हम एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रहे हैं, हम एग्रीकल्चर में काम कर रहे हैं, सब सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं। सभी सेक्टर का विकास
हम लोग करना चाहते हम करेंगे. महाराष्ट्र ये देश में बहुत नंबर एक वाला स्टेट है. हमारा जीडीपी 15% है, हमारे एक्सपोर्ट 25% है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारा 17% 20% है. ये महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान देश के प्रगति में है. तो हम लोग काम करेंगे, बहुत ज्यादा काम करेंगे. आप कह रहे हैं कि आप गरीब के लिए काम कर रहे हैं, महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, किसानों के लिए काम कर रहे हैं, छात्रों के लिए काम कर रहे हैं, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं. विपक्ष कह रहा है आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं. तो बीजेपी हमारे साथ में है ना. नहीं, बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं. तो बीजेपी मतलब पोस्टर पर आप हैं. हाँ. पर स्क्रिप्ट, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर सब वहाँ हेडक्वार्टर में. अभी देखो वो लोग तो हमें सपोर्ट कर रहे हैं ना. अभी कितना 15,000 करोड़ दिया नगर विकास, 13,500 करोड़ दिया रेलवे के लिए. गडकरी साहब तो कितने पैसे दे रहे रोड के लिए, बहुत पैसे दे रहे. तो पैसे देखिए, हम लोग अगर एकदम बहुत कड़क सिंह बन के रहेंगे, हम अहंकार रख के रहेंगे तो कौन देने वाला है. घर में आके कोई, मैं पहले बताया जो ये तो घर में लाके कोई देने वाला नहीं. हमारे को बहुत ही नम्रता से हमारे राज्य के लिए, विकास के लिए हेल्प मांगना, मदद मांगनी, ये सब करना ये हमारा फर्ज है, ये करना चाहिए. वो कितना सपोर्ट कर रहा है केंद्र सरकार, कोविड में भी किया, सब जगह पहले भी किया है. लेकिन ये केंद्र सरकार का सपोर्ट के अलावा आपने, आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि पार्टी को लेने के लिए आपने भी खूब सारा सपोर्ट लिया, 2,000 करोड़ का सपोर्ट लिया. आरोप लगा रहे हैं 2,000 करोड़ रुपए में आपने सबको खरीद लिया, सीधे आरोप आपके ऊपर लगा. देखिए अभी आपको मैं, एक ग्राम पंचायत सदस्य रहता ना मेंबर, उसको भी पार्टी छोड़ने के लिए 10 बार सोचता है. या 40 से 50 MLA, 13 सांसद, हजारों कारपोरेटर, ऐसा कोई पैसे से आता है क्या कोई? ये अभी बोलने के लिए क्या उनके पास कुछ है ही नहीं, 2-3 शब्द ही है. इसलिए मैं आरोप का उत्तर आरोप से नहीं देता हूं, मैं आरोपों का उत्तर काम से दूंगा, इस राज्य का डेवलपमेंट करके दूंगा मैं.